देखो मैं इस वक्त सलमान भाई के फंक्शन हॉल पे जा रहा हूँ। सैयद साहब, सलमान साहब ने बहुत बोले कार लेके जाओ। मैं बोला नहीं, मैं कार वार नहीं चलाता, यहाँ के रास्ते नहीं समझते मेरे को। तो सैयद सलमान साहब का ये ऑटो है, अल्हम्दुलिल्लाह उनके घर के पास के हमारे भाईजान हैं, तो ये सलमान साहब ने इनको पूरा बुक ही कर दिया अब रात तक के लिए मेरे साथ। ऑटो से घूमता बोला तो ऑटो से ही जाओ बोले, पूरा बुक कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह ऑटो, बहुत मोहब्बतों से नवाजते। बहरहाल अभी ये ऑटो से मैं सैयद साहब के फंक्शन हॉल, फिर वहाँ से निशात आप फिर वहाँ से अम्मी को पिकअप करके वलीमे में जाएंगे हम लोग सलमान साहब के इंशाल्लाह। भाई अभी ये नया ब्रिज बना, ये मसब टैंक एरिया हैदराबाद का, वेल डेवलप्ड इलाका, और नीचे शायद मार्केट एरिया भी दिख रहा है जी। बंजारा हिल, ये बंजारा हिल्स जाने का रास्ता है। देखो सबसे महंगा इलाका बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स हैदराबाद का अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर उससे महंगा हाईटेक सिटी अल्हम्दुलिल्लाह। हाईटेक सिटी में आप चले गए ना भाई लोग, तो ऐसा लगेगा लंदन में आए ले, ऐसा है। देखो मुंबई के लोगों को हैदराबाद लाइव मुंबई से आज 6 से 7 कॉल आ गए, माफ़ी चाहता हूँ, किसी का उठाया नहीं यार। अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकुमुल्लाह खैर। देखो भाई लोग ये ग्रीन वाला जो दिख रहा है ना, ये पूरी बिल्डिंग हज हाउस है। यहाँ पे हज कमेटी से जो हाजी जो जाते हैं हर साल, वो पूरा इंतज़ाम रहता है यहाँ पे उनका रुकने करने का। देख सकते हैं आप वक्फ बोर्ड का हज हाउस अल्हम्दुलिल्लाह, ये पूरी बिल्डिंग हज हाउस हैदराबाद लाइव आज बरोज़ अल्हम्दुलिल्लाह 3 जून 2022। और ये देखो ये आ गया हमारे सलमान भाई का फंक्शन हॉल, रेड रोज़ फंक्शन हॉल, आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना प्यारा है। देखो आप सलमान भाई का शादी की तैयारियां, ये गोश्त की कटिंग चल रही है। ये क्या है भाईजान? ये पाए पाए पाए। और ये सब कबाब्स वगैरह तैयार हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख सकते हैं कितनी तैयारियां चल रही हैं। देखो गोश्त को स्मैश किया जा रहा है, शायद हलीम और हरीस के लिए स्मैश किया जा रहा है। इधर देखो तैयारियां कितनी ज़ोरों से चल रही है सैयद सलमान साहब की शादी की, हमारे भाई। ये देखे अभी पूरी चढ़ जाएंगी इंशाल्लाह। ये देखो कबाब्स रोल सब अल्हम्दुलिल्लाह। चारकोल रखा हुआ है कबाब्स के लिए, सब कुछ शुरू होगा अभी पूरा। देखो गोश्त कढ़ाइयों में रखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे रिजवान साहब है, सैयद सलमान साहब के शोरूम के मैनेजर अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मोहब्बत करते हैं हमसे। देखो उधर कटिंग चल रही है पूरा, सब्ज़ी तरकारी गोश्त वोश की, और उस तरफ तरकारी की कटिंग। देखो सब मैश करके रखे पूरा अल्हम्दुलिल्लाह। देखो पूरा सब कटिंग वगैरह चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखो सलमान साहब का फंक्शन हॉल अल्हम्दुलिल्लाह, ये पूरा देखो कितना सारे टेबल्स है, ये सब रात में इतना प्यारा लगेगा जी। और वो जेंट्स का सेक्शन है उधर का, और इधर का ये लेडीज का सेक्शन है, ये सब अभी सज रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर हमारे भाई की अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत प्यारा इंतज़ाम, सब सोहेल भाई की मेहनत है, काविश है अल्हम्दुलिल्लाह। देखो ये लेडीज़ का डाइनिंग सब अलग अंदाज में। अब देखिए आप क्लियरिटी अल्हम्दुलिल्लाह, ये जेंट सेक्शन है सलमान भाई का, और उस तरफ लेडीज सेक्शन दो, और ये मीटिंग सेक्शन यानी अल्हम्दुलिल्लाह ग्रीटिंग सेक्शन, इसको आप ग्रीटिंग सेक्शन बोल सकते हैं। सलमान भाई यहाँ स्टेज करेंगे, स्टेज डेकोरेट हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये है रेड रोज फंक्शन हॉल। तो मैं अब निकल रहा हूँ यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख सकते यहाँ पे सामने में बाहर में रहेगा, इडली डोसा पानी पूरी अमका ढमका सब ये सामने रहेगा। किधर रहेगा बहन?
ये इधर रहेंगे स्टॉल्स बाहर खाने के अलावा, जिसको आप स्टार्टर में भी ले सकते और फिर बाद में एपेटाइजर्स में भी ले सकते। रेड रोज फंक्शन हॉल ये पूरा फुल होने वाला है, जगह नहीं मिलने वाली किसी को कार पार्किंग की। अब अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कार पार्किंग सामने है क्या? कार पार्किंग सामने बोलते मेरे को पता ही नहीं था। ये पूरा सजने वाला है, अभी पूरा पूरा डेकोरेट होने वाला है, आपको रात में समझ में आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह कितना प्यारा है, देखो इंतज़ाम। सैयद सलमान साहब हमारे, ये देखो ये है लेडीज सेक्शन, जब क्लियरिटी नहीं आई थी यहाँ से देखो। और उस तरफ लेडीज़ का डाइनिंग है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप देख सकते हैं मैं फिर से अफजलगंज इलाके से होते हुए गुजर रहा हूँ। यहाँ से निशातापी का मकान तकरीबन 16 किलोमीटर बता रहा है, इतना दूर दूर होता है हैदराबाद में। वो तो हमारे सैयद साहब की मोहब्बत है सलमान भाई की, के ऑटो ही दे दी अल्हम्दुलिल्लाह जाने आने के लिए। क्या बोलूँ, ये मोहब्बत अल्लाह सलामत रखे, बहुत मोहब्बत करते हैं मेरे सलमान भाई मेरे से, मेरे सच्चे भाई है खुदा की कसम। कभी कभी तो बहुत ये होता है, बस आप लोग दुआ कीजिए सलमान भाई के लिए। ये स्टेटस पे बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन चूँकि सारे लोग देखते हैं हज़ारों की तादाद में, न जाने किसकी दुआ कबूल हो जाए, मैं इसीलिए सबको बताते रहता हूँ। बस यार दुआ करना हमारे भाई के लिए। देखो यहाँ पे कितना प्रॉब्लम है निशात आपे, तुम्हारे घर का रोड कैसा है मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम लोग तो परेशान हो गए। बहुत रिमोट एरिया में है तुम्हारा घर, ये देखो यहाँ पे पूरे गाड़ियाँ फंस रहे हैं, यहाँ गड्ढा हुआ पड़ा है इतना बड़ा, जाना तो कैसा जाना, ऐसा हाल है। ऐसा हाल है यार। और ये बिल्डिंग चढ़ चढ़ के देखो, उर्वा सामने खड़ा है, निशातापी का बेटा भाग गया। ये हमारे निशातापी का घर, ये ऊपर घर है यार इनका, उर्वा का ड्राइंग रूम है, सॉरी क्या प्लेइंग रूम है ना, उमरा उमरा बोल रहा हूँ, उमरा उमरा उर्वा। माशाल्लाह एक साल बाद मिला इससे मेरे बच्चे से, माशाल्लाह। ये माशाल्लाह देखो उर्वा का रूम भी, और यहाँ पे नमाज हॉल भी है, हर घर में होना चाहिए यार ये नमाज हॉल, प्ले रूम है उर्वा का। हाँ अभी बहुत मोहब्बत करते, देखो नहीं बोलने के बाद भी इतना सारा बना लिया, अब मेरे को थोड़ा सा टेस्ट करना ही पड़ेगा, क्या बोलूँ यार। मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आई एम हियर लाइव फ्रॉम हैदराबाद सिटी फ्रॉम माय सिस्टर निशात आपीज हाउस, एंड टुडे इज़ 3rd of June 2022, एंड टुमारो इज़ माय फ्लाइट विद माय मॉम टू नागपुर इंशाल्लाह। नाउ आई एम गोइंग टू अटेंड द रिसेप्शन सेरेमनी, वलीमा सेरेमनी ऑफ सैयद सलमान साहब। जस्ट मेक अ दुआ फॉर माई फ्रेंड सैयद सलमान साहब, माई सूफी फ्रेंड अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। आज सलमान भाई सही में भी मेरे से नाराज़ हो जाएंगे देखना, ये निशात आपी के घर से यहाँ पे आने तक 2 घंटा लग गया, समझ से बाहर हो गया ट्रैफिक। बाकी अब अम्मी को पिकअप करके शादी वलीमा हॉल लेके जाऊँगा। अम्मी जा रहे सलमान भाई के भांजे लोग लेके जा रहे अंदर अम्मी को। अम्मी ये देख सकते हैं आप, माशाल्लाह आप देख सकते हैं पूरा पार्किंग का इंतज़ाम, कितना ज़बरदस्त स्टाफ और सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आप देख सकते कितना खूबसूरत समा है, सुन्नी दावत इस्लामी के तमाम जिम्मेदार बैठे उस टेबल पे, इस टेबल पे अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल। ये ड्रोन कैमरा अलग पागल बना रहा है, शादी में भी पागल बना है इसने, बहुत उड़ता है, हुई 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 आवाज, देखो उधर जा रहा है। सामने चाय के स्टॉल्स, डोसा गुपचुप पानी पूरी, लोग तो अभी भी अंदर हॉल में काफ़ी है। तो अम्मी का कॉल आया था कि चलो छोड़ दो मेरे को वापस, तो अम्मी को छोड़ के आना पड़ेगा। यहाँ माशाल्लाह सिक्योरिटी बहुत टाइट है, बाउंसर्स वगैरह सब बाहर खड़े,
अल्हम्दुलिल्लाह वीआईपीज़ बहुत आए हुए हैं। चाय लिया, देखो अभी चाय पी रहा हूँ, सामने चाय का स्टॉल। सलमान भाई से मिला भी नहीं, जब से बुला रहे बेचारे। अल्लाह बरकातों, मैं इस वक्त सलमान भाई वापस आपके तरफ आ रहा हूँ, बस थोड़ा सा और आपको तकलीफ दूंगा, बस पहुँच ही रहा हूँ। सलमान भाई अम्मी को छोड़ दिया, ये पूरा देखो हमारे फुप्पी का घर, पूरा आखिरी तक जो बिल्डिंग दिख रहे हैं ना, आखिरी तक पूरे चाचाओं के फुप्पी के सब पहले में। जाकल्ला जा रहा हूँ बस शादी खाने की तरफ, यानी वही वलीमा की तरफ। बाउंसर लोग जा रहे हैं, ये देखो बाउंसर। बाकी मैं आ गया सलमान भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। सलमान भाई तो स्टेज पे नहीं दिख रहे, देखते हैं। देखो भाईजन हमको छोड़ रहे वापस ले जाके सलमान भाई के घर की तरफ, सलमान भाई वहीं वेट करेंगे। भाईजन ने बहुत मोहब्बतों से नवाजे, माशाल्लाह बहुत मोहब्बतों से नवाजे भाई ने। पेट्रोल पंप पे हल्का सा झगड़ा चल रहा है अब यार, सुबह की फ्लाइट है, मैं तो सोने वाला नहीं हूँ। अम्मी को सुला दिया पुप्पी। क्या रहमतुल्लाहि व बरकातुहु सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप देख सकते हैं सलमान भाई का बंगला पीछे चले गया। सलमान भाई अस्सलाम वालेकुम जा रहा हूँ, और पिलर नंबर 99 पे के पास घर है सलमान भाई का। और जज़ाकुमुल्लाह खैर, अब कुछ देर में फ्लाइट है तो इंशाल्लाह अम्मी के साथ रवाना। तो ये देखिए विरिंची हॉस्पिटल आ गया, इसी हॉस्पिटल में मेरे वालिद साहब का इलाज चला था, मैंने आपको पिछले बार भी बताया था सबको। आज बरोज 4 जून 2022, इंशाल्लाह 12:35 पे नागपुर में लैंड हो जाएंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। ये हमारे रिजवान मामा हमारे मामा का घर उधर पीछे है। नींद में से उठ के आए तो मैं क्या करूँ, ये मुबशीर चाचा की बिल्डिंग है, सऊदी में रहते और ऊपर का किराए पे दिए हैं, नीचे का भी किराए पे दिए। ये हमारे फुप्पी का घर है, बाजू में अतीक चाचा का घर है, पूरा ऐसा फिर बैक से ही फैला हुआ है। अरे तुम कैमरे में तो नहीं आए, ऐसा है मामला। ये फुप्पी का घर, अतीक चाचा का घर, उधर से पीछे से पूरा फैला हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। हयात पैलेस यहाँ पे मैंने आपको बताया था पिछले बार में जब रुका था अल्हम्दुलिल्लाह, तो यहाँ का बहुत महंगा किराया है, 18,000 रुपये एक सूट का हुआ था मेरा। बहरहाल हम लोग इस वक्त एयरपोर्ट के रोड पे हैं, इंशाल्लाह पहुँचेंगे जल्द एयरपोर्ट, विल बोर्ड सून इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला।